प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास, मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये वैजंती अभी तक क्यों नहीं आई? ओ हाँ, मैं ही जल्दी आ गया हूँ ना। मेरी शादी हो जाने के बाद मैं तूफान एक्सप्रेस में अपने ऊपर एक जबरदस्त कहानी लिखूंगा, मिस कॉल से मिसेस तक का सफर। ये सारे लोग मुझ पर हंस क्यों रहे हैं? ओ हाँ, शायद इतने स्मार्ट लुक के साथ ये छाता मैच नहीं कर रहा है। सॉरी दोस्त, थोड़ी देर के लिए आपको मुझसे अलग होना पड़ेगा, शादी का मामला है ना। काउंटर पर रख देता हूँ इसे। एक्सक्यूज मी, इफ यू डोंट माइंड, आप थोड़ी देर के लिए ये छाता रख सकते हैं? जरा संभल के रखिएगा। वैसे आपका नाम क्या है? मूर्ति। मूर्ति मींस आइडल। आइडल नहीं, बिजी हूँ। मेरा मतलब है मूर्ति मींस आइडल इंग्लिश में। वैसे मैं पत्रकार पोपटलाल फ्रॉम तूफान एक्सप्रेस। तो देखिए मूर्ति साहब, आपका ये रेस्टोरेंट मेरे लिए बहुत लकी है। अच्छा। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने अखबार तूफान एक्सप्रेस में इसे फेमस कर दूं। क्यों? वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, अभी तो मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। ये ना किसी दिन मार खाएगा। क्या? बबीता जी, अभी हम मिस्टर मिस कॉल को कॉल लग। फोन लगा। ओ वैजंती का फोन। हेलो। हाँ, कहाँ हो तुम? कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। लगता ही है कोई है, कोई है। कुछ बोलो ना, तुम्हारी मीठी आवाज सुनने के लिए दिल बहुत तड़प रहा है। बबीता जी, हो सकता है यही हो, लेकिन फिर भी। ये भैया, सॉरी। कौन क्या बोल रहा था? मैं बोल रहा था। बोलो बोलो। बबीता जी, हो सकता है यही हो, लेकिन फिर भी एक बार कपड़ों का कलर कंफर्म कर लो। मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगी? तुमने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं? मस्त बोल रहे। कौन कौन? बबीता जी। आज मैं इतना स्मार्ट लग रहा हूँ कि तुम मुझे देखते ही पहचान जाओगी। वैसे मैंने ब्लैक कलर की जीन्स, ब्लैक पैंट। रेड कलर का शर्ट। रेड शर्ट, शर्ट भी लाल है। हाँ।
और चीता कलर का जैकेट पहना है। चीते कलर का जैकेट? अभी 10 मिनट पहले मैं बोल रहा था ये मार खाएगा, देखो मार खा रहा है। अरे कितना मारा भाई, कोई ऐसे मारता है क्या? दुश्मन को भी कोई ऐसे नहीं मारता। नालायक, तू फोन करके परेशान कर रहा था। बापूजी मैं गारंटी लेती हूँ पोपट भाई कोई गलत काम नहीं कर सकते। हाँ वो भी है। अरे लेकिन पहले मुझे कोई ये बताएगा कि मैंने क्या गलत काम किया है? मालूम ही नहीं है। आई जॉनी, कौन सा गलत काम किया है तुमने? बबीता के मोबाइल पर एक धेंजुरी जितना मिस कॉल और हाफ धेंजुरी जितना मैसेज किया है। हाँ। और बोलने क्या गलत किया है? क्या? अरे मैंने बबीता जी को कोई मिस कॉल कोई मैसेज नहीं किया भाई। झूठ झूठ बोल रही है। यह मेरी दुकान से नया सिम कार्ड लेकर गया है। हाँ जेठालाल, लेकिन जहाँ तक वो मिस कॉल की बात है वो मैं वैजयंती को कर रहा था। तुमको? वैजयंती को? कौन वैजयंती? कौन वैजयंती? वैजयंती मुझे यही इसी होटल में मुझे मिली थी। ये रही देखो, यही है वैजयंती। वैजयंती प्लीज जरा यहाँ आओ प्लीज। ये वैजयंती है। वैजयंती क्या तुम इसको जानती हो? नहीं। देखो बताओ। ए भाई ये डिब्बे क्या कहानियां बना रहा है? सीधे सीधे बताओ वरना गोकुल धाम में पैर नहीं रखने लूंगा। अरे नहीं नहीं चाचा जी, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वैजयंती क्या बोल रही हो तुम? याद करो उस दिन इसी होटल में तुमने मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया था और कहा था कि तुम मुझे मिस कॉल करना, मैं जब भी मौका मिलेगा तुम्हें वापस कॉल करूंगी। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बाद भी कॉल करूंगी, याद करो तुमने ऐसे बोला था। अच्छा मेरी बात सुनो, अब मेरे को सिर्फ मिस कॉल देना। ओके। मैं जब घर पे एकदम अकेली रहूंगी तब मैं तुमको 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद भी रिप्लाई करूंगी। हाँ लेकिन देखा 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 मैंने तुमको नहीं मूर्ति को अपना मोबाइल नंबर दिया था। नो। और उसको ही मिस कॉल करने बोला था। मूर्ति को मारो मारो मुझे सब लोग और मारो। एक मिनट भाई, अपरलाल वो सब बाद में देखेंगे, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम वैजयंती को मिस कॉल कर रहे थे तो वो बबीता के मोबाइल पर कॉल कैसे आया? अरे मुझे क्या मालूम भैया भाई। एक मिनट वैजयंती तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है? मैं तुमको अपना मोबाइल नंबर क्यों दूं? अच्छा कोई बात नहीं, आप मत दीजिए अपना मोबाइल नंबर। पोपटलाल तुम किस मोबाइल नंबर पे कॉल कर रहे थे? वो नंबर 9580336545। फाइव थ्री? अरे भाई 54 है। काय सावळा गोंधळ आहे सगळा। मेरा नंबर है 53। अरे लेकिन मैंने 54 लिखा है। पोपट भाई ये मेरा नंबर है। ये आपका नंबर है? एग्जैक्टली यही हुआ है। पोपट लाल ने फोन नंबर लिखते वक्त 3 की जगह 4 लिख दिया। बेवकूफ। अब इसे लग रहा है कि वैजयंती को कॉल कर रहा है, कॉल जा रहा है बबीता जी के फोन पे। अरे गणित कच्चा है यार। क्या? नहीं कहीं नहीं। आई गॉट इट, मतलब यह सब गड़बड़ था।
ए पोपटिया, तूने तो हम सब लोगों को काम पे लगा दिया। कैसे क्या? अच्छा हुआ हमने पुलिस को नहीं बुलाया, वरना बहुत बड़ा हंगामा हो जाता और पप्पू जेल के अंदर हो जाता। और भाई ये लड़की से बात किए बिना तूने कैसे मान लिया कि वो तुझे नंबर दे रही है? सॉरी सॉरी चाचा जी, मैं मानता हूँ ये मेरी गलती है। गलती है और नंबर भी गलत लिखा। तो लिखा भी तो किसका? बबीता जी का। सॉरी सॉरी चाचा जी, वो क्या है ना, जिंदगी में पहली बार किसी लड़की ने मुझे अपना मोबाइल नंबर लिखवाया, तो वो हड़बड़ाहट में मैंने गलत नंबर लिख लिया। वो 53 की जगह पर 54 लिख लिया। सॉरी सॉरी बबीता जी, आई एम वेरी सॉरी। सब गोकुलधाम वासियों को मैं हाथ जोड़कर सॉरी बोलता हूँ। अब किसी को भी मिस कॉल करना कैंसल कैंसल कैंसल। गुड, ठीक है पोपटलाल, हम सबसे तो माफी मांग ली, लेकिन जरा मिस वैजंती और मिस्टर मूर्ति से भी माफी मांग लो। पहचानता है बिनको? कर्टसी कर्टसी। मिस वैजंती, मिस्टर मूर्ति, मैं आप दोनों को भी हाथ जोड़कर सॉरी बोलता हूँ। इट्स ओके, इट्स ओके, थैंक यू। भगवान, जल्दी से पोपट भाई की शादी करवा दो, वरना वो ऐसे ही घोटाला करते रहेंगे। पोपट भाई, आपकी शादी हो जाएगी, बस थोड़ी सी धीरज रखिए। हाँ पोपट भौजी। अरे क्या धीरज रखिए, इतने सालों से बस आप लोग मुझे धीरज ही दे रहे हैं। अरे मेरी शादी के लिए भी कुछ कीजिए। पोपट भाई चलो चलो, आपकी शादी के बारे में बाद में सोचेंगे, अभी तो घर पे जाकर रसोई बनानी है। अरे भाई अब यहाँ आ ही गए हैं तो यही खा लेते हैं, वैसे भी बहुत भूख लगी है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है यहाँ। भाई वैसे डॉक्टर हाथी की बात गलत नहीं है, इतना परिश्रम किया है आज तो अब भूख लग गई है, खाना खा लेते हैं। चलो भाई चले जेड़े लाल, कहना कहते हैं मुझे तुम्हारे साथ खाना नहीं खाना है। मैं यहाँ खाना नहीं खाऊंगा। क्यों, अब आपको क्या हुआ? अरे ये अय्यर भाई ने जेठालाल जेठालाल क्या जेठालाल जेठालाल बताना था मुझे, सबको बताऊंगा मैं। ये अय्यर भाई ने मुझ पे शक किया था कि मैं बबीता जी को मिस कॉल दे रहा हूँ। क्या बबीता जी आप ही बताइए, मैं आपको मिस कॉल क्यों दूंगा जब मैं आपको डायरेक्ट फोन कर सकता हूँ। जेठा जी, अय्यर की ओर से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज आई एम रियली वेरी सॉरी। अरे बबीता जी प्लीज, आप सॉरी मत बोलिए। जयडलाल मैं सॉरी बोलता हूँ, सॉरी बस सॉरी, इतना बड़ा इल्जाम लगाने के बाद सॉरी। जेठालाल गुस्सा थूक दो, और तुम तो कितने मैच्योर हो यार, तुमने खुद समझदारी से काम लिया और तुमने कहा कि मैं अय्यर का साथ दूंगा, उस आदमी को पकड़ूंगा जिसने मिस कॉल किए, और अब फिर से वो बात लेके बैठ गए। हाँ वो मैंने अय्यर भाई का साथ इसलिए दिया ताकि मैं अपने माथे पे जो कलंक लगाया है इन्होंने वो मैं मिटा सकूं, और अय्यर भाई को पता चले कि मिस कॉल करने वाला मैं नहीं कोई और है। मुझ जैसे भले इंसान पर देखिए कितना बड़ा इल्जाम लगाया बबीता जी। जीठा जी, I'm really very sorry. प्लीज, अरे बबीता जी आप सॉरी मत बोलिए प्लीज। चलो चलो भाई, वेरी गुड जेठालाल, जेठालाल मान गए, चलो भाई खाना खाते। वेरी गुड। नहीं नहीं भाई, एक मिनट, मैं अभी माना नहीं हूँ। अरे लेकिन मान सकता हूँ एक शर्त पर। क्या? आज का ये खाने का बिल अगर अय्यर भाई दे तो। बिल अय्यर भाई देंगे। फिर ये तय हुआ, खाना हम लोग यही खाएंगे। चलिए चलिए चलो। अरे दया, अरे टप्पू के पापा जाग गया, अभी तो कपड़े भी बाकी है, वो तो जागते ही तुरंत चाय मांगेंगे। टप्पू के पापा आप इतनी जल्दी उठ गए? जल्दी क्यों, कितने बजे? अरे बच्चे को छोड़िए ना, मैं कहती हूँ ना कि आप जल्दी उठ गए हैं। चलिए
मैं आपको बाद में उठाऊंगी, कुछ नहीं, सो जाइए। और दोपहर का खाना मैं दाम जी के वहाँ खाने वाला हूँ, तो मेरा दोपहर का खाना मत बनाना जी। ठीक है जी, ठीक है। वो समझ गया, सो रहा है ये जेठिया, एक दिन सोने में विश्व विक्रम करके रहेगा। ए जेठिया बाबूजी, मैं उनको जगा दूंगी। ठीक है, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ बापू जी। अरे आप उठ गए? हाँ बापू जी गए। हाँ गए। चलो हस दया, अभी एक फर्स्ट क्लास कड़क चाय पिला मुझे। आप सिर्फ 10 मिनट रुकिए, दो चार कपड़े धोने हैं, मैं फटाफट धोकर आपको गर्म गर्म चाय देती हूँ। तो फिर 10 मिनट तक मैं क्या करूँ? इधर सोफे पे सो जा। हाँ बापू जी, आप तो चले गए थे ना? हाँ गया था, अभी वापस आ गया। क्यों? ये क्यों वाली? मेरी फिक्र छोड़, अपनी सोच। पूरे दिन गद्दे की तरह पड़ा रहता है और पड़े पड़े ढोल जैसा हो गया, ढोल जैसा। और ऐसा ढोल जैसे बार बार एक ही ढोली बजाता है बापू जी। क्या मन में क्या बोल रहा है? जोर से बोल। कुछ नहीं बापू जी। अरे सुबह सुबह कुछ नहीं तो थोड़ी कसरत तो कर, जब देखो तब सोना सोना सोना। बापूजी दरअसल इनकी कोई गलती नहीं है, ये तो जाग गए थे लेकिन। बहू रहने दे, तू हमेशा ढाल बन के इसे बचाने आ जाती है। ए भाई, ए दिन में चमगादड़ सोते हैं, चमगादड़ इंसान नहीं। चलो भी कड़क है जो बोले वो कर। क्या कर रहा है? बाहर से आए तभी बोला ना सोफे पे सो जा। ए बबूचा, मैंने तुझे सोफे पे सोने के लिए बोला वो तूने सुना, बाद में कसरत करने के लिए बोला वो तूने नहीं सुना। हर बार ऐसा क्यों होता है कि तेरी वजह से मुझे बापूजी की डांट खानी पड़ती है? सॉरी सॉरी बोरी कुछ नहीं, अभी तेरी सजा ये है कि मेरे लिए कसरत अभी तू करेगी। चल कसरत चलो कर। ए बापूजी आप फिर आ गए, आप जाने के लिए जा रहे कि आने के लिए जा रहे? सॉरी बापूजी, ये छड़ी भूल गया था मैं। चल कसरत कर। तू बहू को क्या देख रहा है? ओ जी, 15 मिनट तक अगर ये कसरत ना करे तो इसे चाय मत देना। जी बापू जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ए भाई। जय जिनेंद्र बापू जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बस मिनट कुछ नहीं है, कपड़ा अपना बाद में दो ना, पहले कप चाय पिला फटाफट कड़ा। गुड मॉर्निंग। ये लीजिए मेंटेनेंस का चेक। ओहो क्या बात है मिस्टर मिस कॉल, मतलब पत्रकार पोपटलाल जी, एकदम टाइम टू टाइम चेक। हाँ फिर पत्रकार पोपटलाल जीवन में हर काम टाइम टू टाइम करता है सिवाय शादी के।
अरे भाई पोपटलाल जी, अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप अकेले जितना मेंटेनेंस भरते हो ना, अगर आपकी शादी होगी, आपका परिवार होगा, तब भी आपको उतना ही मेंटेनेंस भरना है। तो भी जल्दी से शादी कर लो ना भाई। अरे भाई भिड़े, मुझे भी तो कब से शादी करनी है, लेकिन कोई अच्छी लड़की भी तो मिलनी चाहिए ना। ओहो अच्छा, मतलब जब तक अच्छी लड़की नहीं मिलती तब तक ऐसे मिस कॉल कांड जारी रहेंगे। अरे भाई अनजाने में एक बार गलती हो गई तो क्या आप जिंदगी भर सुनाते रहोगे? सॉरी। अरे सॉरी मुझे क्यों बोल रहे हो, जाकर जेठालाल को बोलो, तुम्हारे चक्कर में बेचारे जेठालाल पर अय्या ने कितना बड़ा इल्जाम लगा दिया था। कर तो कौन नहीं भर तक हो। मैं किसी बहाने जेठालाल के घर जाकर उसे फिर से सॉरी कह देता हूँ और मौका देखकर मेरे लिए लड़की देखने की भी बात कर लेता हूँ। वाह, इसे कहते हैं एक तीर से दो निशान। दोस्तों कड़कती धूप में चलते चलते अचानक एक घना पेड़ दिख जाए तो व्यक्ति कितनी राहत की सांस लेता है, उसे अच्छा लगता है। ठीक वैसे ही हम सभी ने राहत की सांस ली कि जेठालाल और अय्यर के बीच में मामला सुलझ गया। लेकिन भाई मामला उलझा हुआ है पोपटलाल के दिमाग में। पोपटलाल के सिर पे शादी का भूत सवार है और उन्होंने जेठालाल के घर की ट्रेन पकड़ ली है। और जेठालाल जिनके दिन की शुरुआत ही डांट के साथ हुई है, पता नहीं इस दिन में क्या क्या होने वाला है। और आप जानते हैं कि पोपटलाल से उनकी वैसे ही ठनी हुई है। अब जब वो दोनों मिलेंगे तो क्या होगा भाई, एक गली में दो गाड़ियां आमने सामने हो जाए तो क्या होता है, टकराव। लेकिन टकराव यहाँ होगा, लेकिन आपके घर में बहाव होगा हंसी का। बस हमारे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.